लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही नगर पालिका गाजीपुर द्वारा पूरे नगर में चौथे चरण के सैनिटाइजेशन का कार्य आज से शुरू किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए पिछले मार्च महीने से ही नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया था, जो सफलतापूर्वक 3 बार किया गया। अब लॉकडाउन 3 की शुरुआत होने के साथ ही आज वार्ड 17 लोकमान्य तिलक नगर व वार्ड 21 महात्मा गांधी वार्ड में सभासद सरिता गुप्ता व सोमेश मोहन राय की उपस्थिति में किया जा रहा है। ने आगे कहा कि कोरोना को हराने के लिए पूरा देश आज लॉकडाउन का पालन कर घरों में कैद है। हर कोई कोरोना को समाप्त करने के लिए किए जा रहे इस अनुष्ठान में अपनी आहुति दे रहा है। नगर के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका गाजीपुर पूरी तरह सक्रिय है, इसलिए लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य शहर के 2500 वार्डों में किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों व रास्तों के लिए टेम्पो के माध्यम से तथा पतली व संकरी गलियों में स्वचालित मशीनों के द्वारा नगर पालिका कर्मियों द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शासन द्वारा चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट एरिया को विशेष रूप से ध्यान में रखकर छिड़काव किया जा रहा है। आगे भी आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजेशन का कार्य जारी रहेगा। स्वच्छता की दृष्टि से साफ सफाई और मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए फॉगिंग मशीनों से फॉगिंग भी कराई गई है। उन्होंने आमजन से घरों में रहकर कोरोना को भगाने की अपील की है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जो इस संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना की महामारी में 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा था, 24 तारीख से लॉकडाउन लगा था, 25 तारीख से ही गाजीपुर नगर पालिका में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। फर्स्ट राउंड चला 2500 वार्ड में पूरे शहर में, सेकेंड राउंड चला, थर्ड राउंड भी कल कम्प्लीट हुआ है। अब कल से यानी 5 तारीख से चौथे राउंड का सैनिटाइजेशन प्रत्येक वार्डों में शुरू होकर पुनः गाजीपुर के को सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। उसके पूर्व सुरक्षा के दृष्टि से साफ सफाई, फॉगिंग की मशीनें और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया था। जो भी आवश्यकता नगर पालिका समझ में आती है जनता के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो पूरी तत्परता के साथ नगर पालिका इस काम में लगी हुई है।